तो वेलकम टू टेक्निकल हर्षित यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको गूगल प्रॉम्प्ट के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं, जैसे कि गूगल प्रॉम्प्ट क्या होता है, गूगल प्रॉम्प्ट किस तरीके से काम करता है, एंड थर्ड गूगल प्रॉम्प्ट के क्या डिसएडवांटेजेस है। जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। बट उससे पहले अगर पहली बार आ रहे चैनल पर तो सब्सक्राइब करिए, बेल को प्रेस करिए लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने की जरूरत नहीं। फटाफटली लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों बात करते हैं नंबर फर्स्ट पॉइंट की, गूगल प्रॉम्प्ट क्या है। गूगल प्रॉम्प्ट गूगल का एक फीचर है जो कि हमारे जीमेल अकाउंट को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। आप ऐसे सुनते रहते हैं कि किसी का यूट्यूब चैनल हैक हो गया, जीमेल अकाउंट हैक हो गया है। वो क्यों होता है? क्योंकि भैया वो गूगल प्रॉम्प्ट को एक्टिवेट करके नहीं रखते हैं, जिसके कारण से उनका अकाउंट हैक हो जाता है। अगर आप अपने जीमेल अकाउंट पर गूगल प्रॉम्प्ट को एक्टिवेट करके रखते हैं तो यहाँ पर आपका जीमेल अकाउंट काफ़ी ज़्यादा सिक्योर हो जाता है और यहाँ पर बड़े से बड़ा हैकर आपके जीमेल अकाउंट को हैक नहीं कर पाएगा। जीमेल अकाउंट मींस यूट्यूब चैनल। जीमेल अकाउंट से वो करेगा क्या? यूट्यूब चैनल हैक करेगा। जीमेल अकाउंट से यूट्यूब चैनल बनता है, इसलिए मैं जीमेल वर्ड यूज करूँ तो समझ जाना यूट्यूब चैनल भी उसके साथ साथ, ठीक है। तो गूगल प्रॉम्प्ट गूगल का एक सिक्योरिटी फीचर है, सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। अगर आप इसको एक्टिवेट करते हैं अपने जीमेल अकाउंट पर तो आपका जीमेल अकाउंट बिल्कुल सिक्योर हो जाता है और बड़े से बड़ा हैकर आपका अकाउंट हैक नहीं कर पाता है। बात करते हैं नंबर सेकंड पॉइंट की, गूगल प्रॉम्प्ट किस तरीके से काम करता है। सपोज दैट आपने अपने जीमेल अकाउंट पर गूगल प्रॉम्प्ट को एक्टिवेट करके रखा है और उसके बाद अगर कोई हैकर आपके जीमेल अकाउंट को ओपन करने की कोशिश करता है, अब जरूरी नहीं कि हैकर ही करे, कोई और भी करता है, तो उस केस में जिस फोन में आपको वो जीमेल अकाउंट खुला होगा उसमें एक मैसेज आएगा और उस मैसेज में दो ऑप्शन होंगे, एक यस एक नो। अगर जब तक आप यस पर क्लिक नहीं करेंगे तब तक आपका जीमेल अकाउंट दूसरे फोन या कंप्यूटर में ऑन नहीं हो सकता है, और अगर आप नो कर देते हैं तो भैया ओपन ही नहीं होगा। तो ऐसे में अगर आप खुद का जीमेल अकाउंट ओपन नहीं कर रहे हैं उसके बावजूद भी आपके में यस और नो स्क्रीन पर आ जाता है फोन में, तो आपको भूल कर भी यस नहीं करना है। अगर आप यस कर देते हैं तो हैकर के पास भैया आपका जीमेल अकाउंट ओपन हो जाएगा और उसके बाद आपका हैक हो जाएगा, उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जब भी ऐसा मैसेज आता है तो नो कर दें। अगर आप खुद ओपन करते हैं दूसरे फोन में वगैरह में तो यस करना, अदरवाइज कभी भी यस मत करना, भैया आपका जीमेल अकाउंट हैक हो सकता है। और ये यस और नो वाला फीचर कौन प्रोवाइड करता है? गूगल का जो फीचर है प्रॉम्प्ट, वही आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। बात करते हैं नंबर थर्ड पॉइंट की, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। इस वर्ल्ड में जिस भी चीज़ का कुछ एडवांटेज है तो उस चीज़ का डिसएडवांटेज भी हमें देखने को मिलता है। इसका एडवांटेज है ये हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, हमारी परमिशन के बिना ये दूसरा कोई भी हमारा जीमेल अकाउंट ओपन नहीं कर सकता है। बट प्रॉब्लम इसमें ये आ जाती है कि अगर आपके पास कोई फ़ोन है और उसमें आपने सिर्फ अपना जीमेल अकाउंट ओपन करके रखा है सिर्फ उसी फ़ोन में, और आपने गूगल प्रॉम्प्ट को एक्टिवेट करके रखा है, और बाय द वे अगर वो फोन खो जाता है या कहीं मतलब कि गिर जाता है, कुछ भी हो जाता है, आपके पास अवेलेबल ना हो, तो अगर आप चाहते हैं दूसरे फोन में ओपन करना अपना जीमेल अकाउंट, तो उस केस में भैया आपको काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जो फोन है जिसमें आपका जीमेल अकाउंट ओपन है और वो भैया आपके पास नहीं है, खो गया, चोरी हो गया, कुछ भी, तो उसके बिना आप ओपन नहीं कर पाएंगे। हो सकता है भैया रिकवरी ईमेल वगैरह से बहुत मुश्किल आपको टफ ये चीज़ आपको पड़ सकती है। तो यही डिसएडवांटेज है कि जिस फोन में हमारा जीमेल अकाउंट है और गूगल प्रॉम्प्ट ऑन है वो फोन खो जाता है तो हमें काफ़ी यहाँ पर दिक्कत का सामना करना पड़ता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको गूगल प्रॉम्प्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। दोस्तों बस 5 मिनट तक देखने का बहुत धन्यवाद, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ गया। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं हिसाब से फिर मुलाकात करता हूँ नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।